अस्सलामुअलैकुम वन क्लास, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 10 था हमारा, टेल मी अबाउट ग्रैंड फादर, मुझे अपने दादा अबू के बारे में बताएं। कौन पूछ रहा था चैप्टर में? उनकी टीचर पूछ रही थी। ये तीन बच्चे थे, अली, सारा, नबील, ठीक है। और तीनों क्या बने हुए थे अपने अपने जहन में? दादा अबू बने हुए थे ऐसे ही है। चले हम आगे देखते हैं, हमने इतनी स्टोरी पढ़ ली थी यहाँ तक, आज हमने नेक्स्ट पढ़नी है। अली, माई हेयर इज ब्लोइंग इन द विंड, अली ने कहा मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। दिस बस इज टू विंडी, विंडी ये बस बहुत ज़्यादा हवादार है। ज़ारा, नो नो इट्स नॉट वेडनेस डे, ज़ारा ने कहा नो नो इट्स नॉट वेडनेस डे, ये जुमेरात नहीं है। उसने बोला विंडी, इसको लगा उसने कहा वेडनेस डे। आई एम श्योर इट इज़ थर्सडे, मुझे यकीन है कि आज जुमेरात है। अली, यू आर थर्स्टी टू, अली ने कहा तुम बहुत प्यासी हो, लेट्स गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, आओ हम अगले स्टॉप पर उतरते हैं। नबील, आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू शॉप, नबील ने कहा मैंने तुम्हें बताया है कि मैं खरीदारी नहीं करना चाहता। ज़ारा, नो वन आस्क यू टू शॉप, ज़ारा ने कहा तुम्हें किसी ने उतरने के लिए या नीचे छलांग लगाकर उतरने के लिए नहीं कहा। द चिल्ड्रन लॉफ्ड एंड क्लैप्ड, मिसिज हसन डिड टू, चिल्ड्रन बच्चे जो थे मुस्कुराए, हंसे और तालियां बजाई। मिसिज हसन डिड टू, मिसिज हसन उनकी टीचर थी, वो भी मुस्कुराई, ठीक है, और उन्होंने भी क्लैपिंग की। चैप्टर में अब आपको समझ क्या आई? तीन बच्चे थे, उनकी टीचर ने उनसे एक एक को पूछा, अली को, कि आप अपने दादा अबू के बारे में हम मुझे कोई फ़नी, कोई मजाकिया सी कहानी सुनाएं। उसने कहा मुझे कोई कहानी के बारे में नहीं पता। उसकी टीचर ने कहा चले आप लोग आपस में गॉसिप करें, विस्पर्ट करें, सरगोशी करें और फिर मुझे बताएं। फिर ज़ारा, नबील और अली ने आपस में सरगोशी की, आपस में बात करके उन्होंने ये स्टोरीज बनाई। तीनों ने अपने जहन में बूढ़े दादा बू की एक इमेजिनेशन की, ख्याल किया और उन्होंने फिर ये पूरी स्टोरी बताई। आगे आज हमने इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस करने हैं जो आपने अपनी कॉपीज़ पर करने हैं।